हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम रैंकर्स। जैसा कि हम अभी स्टार्ट कर रखे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से मैटर को अपने सराउंड में देखने के बाद इंडियन फिलोसोफर एंड ग्रीन फिलोसोफर्स के माइंड में ये क्यूरियोसिटी थी कि मतलब ये जो मैटर बना हुआ है ये किस चीज़ से बना हुआ है, राइट। तो अलग अलग फिलोसफी आई, जैसे कि मैंने पहले भी रिवाइज कर रखा है कि जो अपने इंडियन फिलोसोफर ने बोला कि किसी भी मैटर को आप जितना ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा स्मॉल 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 डिवाइड कर सकते हैं कर दीजिए, लास्ट में जो बचेगा जब वो डिवाइड नहीं हो सकेगा उसे हम बोल देंगे परमाणु, राइट। उसके बाद इसी को ग्रीन फिलोसोफर ने इसको एटम बोल दिया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि हाँ कुछ ऐसा है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी को उन्होंने एटम बोल दिया। वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एटम की लिख रखी है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच ए एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। कोई भी एलिमेंट जितना ज़्यादा छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है उसे हम एटम कहते हैं, ठीक है। फिर उनके थ्योरेटिकल प्रूफ के बाद कुछ लॉज आए, जैसे कि अपने लिवोजियर ने दो लॉ दिए केमिकल कॉम्बिनेशंस के, जिसमें एक था लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ, राइट। ये दो लॉ दिए गए जिसमें बोला कि मास रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद सेम होगा। दूसरा ये बोला गया कि अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसमें मास का एक फिक्स रेशियो मतलब पुट किया जाएगा, मतलब H2 अगर फॉर्म हो रहा है तो उसका 1:8 का रेशियो फॉलो कर रहा है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बोला। उसके बाद डाल्टन्स आ गए, उन्होंने लेबोजियर के लॉस को ही फॉलो करते हुए कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। पॉस्टुलेट्स मैंने बता रखे हैं सारे कि क्या पॉस्टुलेट्स दिए, जैसे ऊपर ऊपर का मैं बता देती हूँ कि कोई भी एटम है वो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी एक एलिमेंट को ले लें तो उस एक एलिमेंट में सारे के सारे एटम एक ही होंगे और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। वही अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो उसके एटम अलग होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं क्योंकि दोनों में एटम्स अलग अलग हैं, राइट। उन्होंने इस लॉ को भी जो जो आपका लेबोजियर का जो सेकंड लॉ था उसको भी उन्होंने कंसीडर किया अपने पोस्टुलेट्स में कि कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म होगा तो बाय मास फिक्स रेशियो वो होल्ड करके रखेगा। तो अभी तो ये अपने पहले लेक्चर का कंक्लूजन हो गया। अभी हम आगे चलते हैं कि हम बात करने वाले हैं एटम का। तो एटम मैंने बताया क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट इन टू विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड, राइट। तो अब जरा इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, राइट, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स में रूम्स हैं, रूम्स में वॉल्स हैं। अब एक वॉल में क्या है, बहुत सारी ब्रिक्स हैं। और ये ब्रिक किससे मिलके बनी है, ब्रिक मिलके बनी है सैंड से। अब एक ग्रेन ऑफ सैंड, ग्रेन ऑफ सैंड मतलब किसी भी बालू का एक कण। अब भाई इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। बालू के कण से एक ईंट बनी, जुड़ जुड़ के ईंट से दीवार बनी, दीवार से रूम बने, रूम से बिल्डिंग बन गई। तो व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस बिल्डिंग, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ग्रेन ऑफ सैंड, राइट। और हमारे केस में, इन अवर केस, ये ग्रेन ऑफ सैंड क्या है, एटम। मतलब किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एटम। दिस इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। कोई भी पदार्थ चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो, उसका बिल्डिंग ब्लॉक, उसका बेस क्या है, एटम। वो एटम से ही मिलके बना हुआ है, एटम ही कंबाइन होके इस तरीके से अरेंज हुए हैं कि वो किसी भी मैटर को एक फॉर्म दे सकते हैं। तो भी अभी आपको एटम बिल्कुल क्लियर हुआ, राइट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एटम है ये कितना बड़ा है, हाउ बिग आर एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, हाउ बिग आर एटम्स, ये हैं कितने बड़े। तो सच बताऊं आपकी सोच से परे है, मतलब जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं ये उससे भी छोटा है। कैसे,
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पूरी बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक था वो था ग्रेन ऑफ सैंड, राइट, एक रेत का कण। अगर इस रेत के कण की भी आप रेडियाई देखें, अगर आप इसकी भी अगर आप रेडियाई देखते हैं तो इन मीटर, तो ये भी रेडियाई कितनी होती है, 10^-4। 10^-4 मतलब 0.0001 मीटर, इतनी छोटी होती है, ठीक है। लेकिन ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बालू के कण की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने एटम की बात करें, तो ये एटम की बात करें तो एटम तो इस बालू के कण से कई ज़्यादा गुना छोटा है, कई ज़्यादा गुना छोटा है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लें, H, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लें तो इसकी भी जो रेडियाई होती है वो कितनी होती है, 10^-10 मीटर, डेट इज एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। 10^-10 मीटर, समझ रहे हो, 0.00001234567 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना छोटा हाइड्रोजन का एटम, ये है हाइड्रोजन के एटम की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सोच लो कि कितना ज़्यादा छोटा होता है। जैसे कि अगर आप एक पेपर, जिस पेपर पे आप राइट डाउन कर रहे हैं उस पेपर को भी अगर आप देखते हैं, उसको टच करते हैं, वो कितना मोटा होता है, कुछ नहीं होता यार, बिल्कुल बिल्कुल पतला होता है, नथिंग। वो एक पेपर जितनी मोटाई को ऑब्टेन करने के लिए भी मिलियंस ऑफ एटम्स कलेक्ट होते हैं, मिलियंस और एटम अगर कलेक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तब उतनी थिकनेस ऑब्टेन कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एटम कितना बड़ा ही होता होगा, ठीक है। तो जितना भी आप इमेजिन कर सकते हैं ये उससे भी कई ज़्यादा गुना छोटा होता है, ओके। अब क्वेश्चन दूसरा ये आया कि जब ये इतना छोटा है, इसका साइज इतना इनएप्रोप्रिएट है, मतलब सोच लो 10^-10 मीटर, ये तो किसकी है, हाइड्रोजन एटम की रेडियाई जब इतनी छोटी है, जब ये इतना ही छोटा है, तो भाई हम इसके पीछे इतना ज़्यादा पड़े क्यों हुए हैं, सोचने वाली बात है। छोड़ दो इसको यार, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा इंटायर वर्ल्ड, पूरा का पूरा हमारा संसार एटम से ही मिलके बना हुआ है। हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कोई भी चीज़ टच कर रहे हैं, कोई भी चीज़ फील कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, कोई भी मैटर हो, सारा का सारा एटम से मिलके बना हुआ है। एक बुक जिसे हम पढ़ते हैं वो भी एटम से मिलके बनी हुई है, ठीक है। उसमें भी कागज है, पेपर है, पेपर एक अलग कंपाउंड से मिलके बना होता है, वो कंपाउंड अपने एटम से मिलके बना होता है। तो भाई ये बेस है, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट कर देता है। एटम्स ही वो चीज़ है कि अलग अलग प्रॉपर्टी होल्ड करने की वजह से, अलग एलिमेंट के एटम्स अलग प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो उनकी वजह से ही इतने वेरिएशंस हो जाते हैं कि हमको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, अलग अलग इतने ज़्यादा वेरिएशंस हमको मिल जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, आपके एटम्स की। अब बात आती है कि एटम तो तुमने निकाल लिया, अब इसके सिंबल बताइए कि कोई भी एटम्स आपने जो निकाला है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका कोई प्रतीक तो दीजिए। जैसे कि आपका एक प्रतीक है, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम कोई भी राम श्याम कोई भी आपका नाम है, तो आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है। अगर कोई भी आपके मोहल्ले में आएगा, आपका नाम लेगा, तो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप एटम, जो कोई भी एलिमेंट अगर हो रहा है, मानो कोई भी एलिमेंट अगर आपकी आइडेंटिटी में आ रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर आपको पता है, तो उसको कुछ नाम तो दीजिए, कुछ सिंबल तो दीजिए, जिससे कि हमको पता चले कि ये सिंबल है, मतलब यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा टास्क था कि किस तरीके से हर एक एलिमेंट को एक नाम दिया जाए। तो जो डाल्टन थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल को एक स्पेसिफिक सेंस में यूज किया। मतलब डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी देने के बाद उन्होंने सोचा कि एटॉमिक थ्योरी तो दे दी, मतलब एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, एलिमेंट जो एटम से मिलके बने हैं, अब इन एलिमेंट को भी तो कुछ आइडेंटिटी दो, कुछ सिंबल दो, जिससे हम इन एलिमेंट्स को अलग अलग पता कर सकें। भाई साहब मानो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, इसके एटम सारे सेम होंगे, इसके एटम सेम होंगे, नाइट्रोजन के भी सेम होंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम, लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो एटम्स अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग, तो आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर कहीं पे ये दोनों रखे हुए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है? भाई अभी ये उस टाइम पे नहीं था कि हाइड्रोजन को H लिख दो, ऑक्सीजन को O लिख दो, नाइट्रोजन को N लिख दो, उस टाइम पे ये कुछ नहीं था, उस टाइम पे ये प्रेजेंटेशंस नहीं थी, ये इनके सिंबल्स नहीं थे, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो डाल्टन्स ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे सिंबल दिया जाए जिससे इनके कुछ स्पेसिफिक सेंस बने, मतलब जैसे कि इंसान कोई भी चीज़ अगर नया बनाता है तो उसको एक सिंबल दे देता है, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट कोई नई चीज़ सिंथेसाइज करते हैं, कोई नया एलिमेंट बनाते हैं तो उसको अपना नाम ही दे देते हैं, अपने नाम के दो अक्षर दे दिए, तो उनको कुछ तो उसको नाम देना पड़ता है ना। तो वही डाल्टन्स ने स्टार्टिंग की। तो डाल्टन्स ने क्या बोला कि अगर इस तरीके से है तो इसे हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, और अगर इस तरीके से है तो इन्होंने बोल दिया इसको क्या, फॉस्फोरस, ठीक है, अभी ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, कॉपर, इस तरीके से उन्होंने सिंबल दिए। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा था, लोगों के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे थे, क्योंकि उसका दूसरा कारण ये भी था कि एलिमेंट्स तो भी तो बढ़ते चले जा रहे थे। अरे भाई मान लो 5 एलिमेंट्स हैं तो हम याद कर ले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, एक ऐसा दिखता है, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, लेकिन अगर मान लो 30-35 हों तो इंसान कहाँ तक याद रखेगा सिंबल। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए कि इतने कॉम्प्लिकेशंस ना हो माइंड में, इतना कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था बर्जीलियस। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं जो एलिमेंट का नाम है उसी के किसी ना किसी अल्फाबेट पे उसका हम सिंबल दे देते हैं। इन्होंने बोला, इन्होंने सजेस्ट किया, द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है तो उसी के हम कुछ लेटर उठा के उसको एक नया सिंबल दे देते हैं। जैसे कि अभी हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, तो इसका हाइड्रोजन का एच जो है वो इसका पहला एलिमेंट है, तो इन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन को एच दे दो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या करो, ओ दे दो, ठीक है। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो नाम है क्यों ना उसी का एक या दो लेटर उठा के उसको सिंबल दे दें, ठीक है, इन्होंने ऐसा सजेस्ट किया। तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ठीक है ऐसा ही करेंगे, ठीक है, उनका जो पहला लेटर होगा, पहला जो होगा उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट रखेंगे, पहला जो अल्फ़ाबेट होगा उसको कैपिटल रखेंगे और जो दूसरा होगा उसको क्या रखेंगे, स्मॉल रखेंगे। जैसे हाइड्रोजन के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, केवल एच दे दिया, वो भी कैपिटल, कैसा दिया, वो भी कैसा दिया, कैपिटल एच, राइट। ऑक्सीजन को कैपिटल ओ दे दिया। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो अब क्या करें, तो उन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम को ऐसे कर देते हैं ये, पर ये गलत था। उन्होंने कहा कि जो पहला वाला होगा अल्फ़ाबेट उसको रखो कैपिटल और दूसरे वाले को रखो स्मॉल। तो ए एल को कैसे रखेंगे, ए बड़ा एल छोटा। ऐसे ही कोबोल्ट था, कोबोल्ट, तो क्या करें, कोबोल्ट को क्या करें, सी ओ दे दें, नहीं सी ओ देंगे लेकिन ये गलत है, सी बड़ा रखो, दूसरा वाला ओ छोटा रखो, मतलब पहले को आप कैपिटल करो और दूसरे वाले को स्मॉल करो, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पीरियडिक टेबल देखेंगे तो पीरियडिक टेबल में आपको यही देखने को मिलेगा कि उनका जो नाम है उसी के बेसिस पे आपको उनके सिंबल भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को एच, ऑक्सीजन को ओ, एल्यूमिनियम को ए एल, जिसमें ए बड़ा एल छोटा, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ए बड़ा एल छोटा, ठीक है। कोबोल्ट को सी ओ दे दो, जिसमें सी बड़ा ओ छोटा। तो इस टाइप से इनका नॉमिनक्लेचर किया गया। लेकिन ये जो इनका सजेशन था
कुछ एलिमेंट हमारे ऐसे भी हैं जो इस सजेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? तो ज़रा उनको देख लेते हैं, कौन है वो वहाँ से। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये देख लेते हैं कि आपका सोडियम है, सोडियम को तो हमने एन ए दिया है, इसमें तो ना ही कहीं एन है ना ही कहीं ए है। अब अपना पोटेशियम है, पोटेशियम को हमने के दिया है, के क्यों दिया है भाई, ठीक है? तो इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके नाम और जिनके सिंबल जो है वो मैच नहीं कर रहे। क्यों? इनका कुछ और कारण था, क्योंकि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो लैटिन या ग्रीन या ग्रीक या जर्मन शब्द से लिए गए हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को अपने अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को इससे लिया गया है, इसका नाम है नेट्रिनियम, ठीक है? लैटिन नेम नेट्रिनियम, इसका एन ए लिया गया है। ऐसे ही पोटेशियम का के किससे लिया गया है? केलियम, इससे के लिया गया है, ठीक है? ऐसे ही अपना आयरन है, आयरन को तो हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको एफ यू क्यों लिया गया है? क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है जो है फेरम, ठीक है, उसका एफ ही लिया गया है। ये सारे के सारे कनेक्टेड थे, इनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इन शब्द से मैच करती थी, इसकी वजह से इनके सिंबल इन नाम से उठा लिए, ना कि जो नाम हम लेते हैं उनसे उठाए, ठीक है? ये हो गया। तो अभी ये थोड़े से अलग हैं वो समझ में आ गए, जो अलग हैं वो अलग क्यों हैं, ऊपर वाला रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये भी इन्हीं के रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनके नाम जो हम कॉमन लेते हैं वो नहीं है, इनके लैटिन जर्मन या ग्रीक लैंग्वेज में जो नाम थे उनसे इनके सिंबल ले लिए गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, कुछ सिंबल ऐसे भी लिए गए हैं जिनका पहला और दूसरा लेटर ना लेके अदर लेटर ले लिया। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या है आपका? Cl होता है, ठीक है? क्या होता है क्लोरीन आपका? Cl, C बड़ा एल छोटा, ठीक है? तो क्या है, तो C तो पहला है लेकिन यहाँ पे H नहीं लिया, क्या लिया? L, तो ये आपका क्या हो गया? क्लोरीन। ऐसे अगर आप जिंक की बात करें तो जिंक में क्या है? जेड तो पहला ले लिया, ठीक है, और आई ना लेके कौन सा ले लिया? एन। तो ये कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पहला दूसरा लेटर ना लेके पहला तीसरा लेटर ले लिया, लेकिन केस वही रहेगा कि पहला वाला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल, ठीक है? तो ये सिंबल समझ में आए किस तरीके से सिंबल्स यहाँ पे रखे गए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम देखेंगे एटॉमिक मासेस क्या होते हैं और ये किस तरीके से इनका एग्जिस्टेंस आया, किस तरीके से ये बेस हैं। एक्चुअली एटॉमिक मास पूरी मतलब केमिस्ट्री या पूरा बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं एटॉमिक मास, क्योंकि किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आए वो भी हम इसके आगे वाले लेक्चर में देखेंगे।